जदयू के विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम सामने आया है और इस प्रेम में उन्होंने अपनी फजीहत करवा ली है। दरअसल आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 47वां दीक्षांत समारोह TNB कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेरकर के बगल में मुख्य अतिथि की दीर्घा में राज्यपाल समेत 6 अतिथियों के बैठने की जगह थी। वहीं गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपनी कुर्सी खोजते हुए मंच पर पहुंच गए। जब यहाँ उनको अपनी कुर्सी नहीं दिखी तो वह मंच के पीछे से कुर्सी खोजते हुए राज्यपाल के लाइन में प्रतिकूल पति के बगल की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए। इसके बाद राज्यपाल के स्टेडियम पहुंचते ही DSP SDM विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पहुंचे, उन्हें लाख समझाया लेकिन वो नहीं माने, वह जबरन वहीं बैठ गए। राज्यपाल के आगमन के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कुर्सी पीछे हटा दी। फिर विधायक जी अपनी कुर्सी को नहीं देखकर चिंता में पड़ गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपनी कुर्सी के बारे में पूछा। उसके बाद वह फिर से दूसरी कुर्सी उठाते हुए ले आए और राज्यपाल के अंगरक्षक के समझाने के बाद भी राज्यपाल के पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गए। इस दौरान यहां सभी अधिकारी असहज दिखे। प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ठहरे दबंग। इनके सामने कहां किसी की चलने वाली थी। वही मामले को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि हमारी कुर्सी वहां नहीं थी, कोई बात नहीं, मंच पर दूर में विधायकों के बैठने का जगह था, कुर्सी हम लगाए थे, वहां दीप प्रज्वलन के बाद गए तो कुर्सी नहीं थी। यहां सब पढ़े लिखे हैं, ढिठाई दबंगई करने से नहीं होता, जरा से हुठई करते तो मेरी बदनामी हो जाती। पहले कुर्सी लगी हुई थी वहां पे। अरे कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी हम लगाए थे जी। अच्छा, फिर दीप प्रज्वलन के बाद क्या हुआ? प्रज्वलन के बाद गए, कुर्सी नहीं जी, समझे ना, यहाँ बहुत पढ़े लिखे मिठाई उठाई करने से काम नहीं चला, सारे विद्वान बैठे हुए, जरा ही उठाई करते ना हमारी बदनामी होती। भागलपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस कस्टडी से 2 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कैदी को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक कैदी को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक कैदी भागने में सफल रहा। पूरा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत आदमपुर थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी रोड का है, जहाँ बुधवार को पुलिस द्वारा ऑटो से 2 कैदी को गिरफ्तार कर पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर 2 कैदी भागने का प्रयास किए। कैदी के भागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं दोनों कैदियों के भागने से पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र के खटीक टोला निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाथनगर थाना क्षेत्र के पीपरपाती निवासी कैदी कारू कुमार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान दलबल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए, जिसके बाद पुलिस गिरफ्त से फरार कैदी कारू कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि दोनों कैदी को बकरी चोरी के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस ऑटो में बैठा कर ले जा रही थी। इसी दौरान आदमपुर थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी रोड समीप दोनों कैदी ने भागने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने खदेड़ कर कैदी सोनू कुमार को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि कैदी कारू कुमार भागने में सफल रहा। कारू कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्त से फरार कैदी कारू कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है? सोनू कुमार। कहाँ घर है? खटीक टोला। कौन केस में आए थे? बकरी चोरी में। भाग कहाँ गए? हमने भागे सर, लेके हमको दौड़ गया। दो आदमी था? हाँ। एगो कहाँ गया? एगो खड्डे में घुसा हुआ था। कौन थाना से लाया तुम? चंपा नगर। टेम्पो में आ रहे थे? हाँ। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट सुंदरम
फास्ट फूड से जोमेटो के माध्यम से खाना मंगवा कर खाना नवगछिया के स्थानीय पत्रकार सहित कई लोगों को महंगा पड़ गया। दरअसल जोमेटो के माध्यम से नवगछिया के स्थानीय पत्रकार सुजीत सिंह चौहान ने सुंदरम से वेज नूडल्स और चिली पनीर का ऑर्डर किया। वहीं ऑर्डर की डिलीवरी होने के बाद नवगछिया के स्थानीय पत्रकार संदीप झा, सुजीत सिंह चौहान ने अमर कुमार, नीरज कुमार, राजा कुमार, बोंको कुमार के साथ बड़े ही चाव से वेज नूडल्स और चिली पनीर खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद चिली पनीर में दो मकड़ी दिखाई दी। इसके साथ ही अन्य लोगों की भी तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाया गया और सभी को अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले जाया गया, जहाँ सभी का प्राथमिक उपचार भी हुआ। वही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर नवगछिया के भवानीपुर निवासी अमर झा को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर भेज दिया गया, जिसके साथ पत्रकार सुजीत सिंह चौहान, संदीप झा, अनंत कुमार भी मायागंज के हैं। वही मामले को लेकर सुंदरम के संचालक सरजीत ने बताया कि हमारे फास्ट फूड काउंटर से चौमीन और चिली पनीर का ऑर्डर कर मंगाया गया था, जिसमें शिकायत की बात सामने आई थी। उन्हें खाना वापस भेजकर दूसरा मंगवाने की बात बताई गई थी। इसके साथ ही हमने अपने मैनेजर को जांच के लिए भेज दिया है। अब इस मामले पर जोमेटो ने भी ट्वीट कर माफी मांगते हुए लिखा है कि असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, कृपया आपके इश्यू को चेक करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, हम जल्द ही आपको इस पर अपडेट देंगे। क्या घटना हुई थी, अभी आप लोग अस्पताल आए हैं? हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे जोमेटो से खाना, जो हमको सुंदरम से खाना डिलीवर किया था। हम लोग ने खाया खाना, तो एक जो डब्बा इसका था उसमें मकड़ा था, तो हम लोग तो लगातार बातचीत करते क्रम में खा रहे थे, तो एक हमारे दोस्त हैं, अमर नाम है, उन्होंने खा लिया। तो हमको ऐसा नहीं लगा कि खा लिया, तो कुछ तुरंत नहीं हुआ। जब दोबारा हम लोग खाने लगे तो एक मकड़ा और था उसमें, तो जिसके बाद इसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 4-5 वोमिटिंग हुआ था और हॉस्पिटल हम उसको लेके, हम लोग को भी थोड़ा सा तकलीफ टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक हम नॉर्मल हैं, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। ऐसे रेस्टोरेंट पर क्या प्रतिबंध सील होनी चाहिए? सबसे पहले तो रेस्टोरेंट जो खोला है उसको तो पहले साफ़ सफाई और ये देख के बनाना चाहिए आप कैसा खाना दे रहे हैं। इस तरीके से आप देने का मतलब है कि आप कस्टमर को तो मारने की व्यवस्था लगा रहे हैं ना, तो कार्रवाई तो हम लोग तो कहते कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे रेस्टोरेंट में। अगर हमारे मित्र या सहपाठी को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदारी क्या रेस्टोरेंट लेगा क्या? हम लगातार मंगाते हैं, रेस्टोरेंट का नाम था इसलिए हम मंगाते हैं, प्रसार था मंगाते हैं, हमारा मित्र भी है वो, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। स्टाफ को लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि नवगछिया में सुप्रसिद्ध जो है कि सुंदरम रेस्टोरेंट है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए गलती हो सकती है, मानते हैं गलती होती है बनाने, लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि एक ही बार में दो मकड़ा इस तरीके से, कभी मकड़ा कभी छिपकली गिर जाएगा, सांप हो जाएगा, तो देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हुई थी कि हमें भूख लगी हुई थी, हम लोग 5-6 आदमी थे एक रूम पे, तो मैंने एक सोचा कि ऑर्डर कर दूँ, भूख लगी है, खाना जल्दी आ जाएगा रेस्टोरेंट से, तो जोमेटो से मैंने सुंदरम फास्ट फूड जो राजेंद्र कॉलोनी मोड़ पे है वहाँ से मैंने दो चाउमीन और वेज पनीर मंचूरियन मंगवाया। सो उस 45 मिनट के बाद जब आया तो दो प्लेट अलग अलग था, तो मैंने एक प्लेट में खाया, दूसरा प्लेट जो था जो मेरे दोस्त लोग खा रहे थे उसमें दो मकड़ा निकल गया, एक मकड़ा जो है मेरा दोस्त खा लिया, जिसके वजह से जो है उसको उल्टी होने लगी, 5-6 उल्टी हुई है, जिसके बाद हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, रेस्टोरेंट मालिक को भी हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने कोई कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस आने के बाद हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो अभी इलाज चल रही है हॉस्पिटल में। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल नगर कॉलोनी का है, जहां आज दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक कपड़ा व्यवसायी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पीड़ित व्यक्ति स्थानीय निवासी बबलू शाह उर्फ पंकज शाह बताए जा रहे हैं। उनकी कमल नगर कॉलोनी में कपड़े की दुकान है। मामले को लेकर पीड़ित का कहना है कि उनके दुकान पर 3 आपराधिक तत्व के लोग पहुंचे और उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। लेकिन दुकानदार बबलू शाह के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने घर से लाकर 5,000 रुपए निकाल कर बदमाशों को दे दिया, जबकि बदमाशों ने उन्हें 2 लाख देने की बात कही है।
साथ में शाम तक पूरे पैसे का इंतजाम कर देने का अल्टीमेटम भी दिया है, नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद दुकानदार बबलू शाह समेत उनका पूरा परिवार काफी भयभीत है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग छोटे व्यवसायियों को अपना निशाना बनाते हैं, जो उनका विरोध करते हैं उनके साथ मारपीट भी की जाती है। गौरतलब है कि इससे एक माह पहले बदमाशों ने कमल नगर गेट के सामने एक कैफे संचालक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जबकि उक्त मामले में पुलिसिया कार्रवाई सुस्त दिख रही है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर भवरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित दुकानदार के मामले के संदर्भ में पूछताछ किया और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। वही दुकानदार बबलू शाह के साथ हुए इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में भय का माहौल कायम है। इधर पीड़ित पक्ष ने पुलिस से उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है। वो बोला कि 2 लाख रुपया तुम रेडी रखना, व्हाइट जीन्स व्हाइट शर्ट, हम शाम में आएंगे और नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। कितना लोग थे? 3 लोग। कमा भी कहा? हाँ, आराम सबके कमर हमको बताया, हम देखे तो हम जैसे राकेश नाम बताया तो हम समझ गए दिनेश चौधरी वाला मर्डर यही किया था, और प्लस बगल में दुकानदार को भी यही किया था, और प्लस इसकी ये जो भोला शाह है कुतुबगंज वाले, इसके साथ भी रात में खींच करके ले करके गया था, चैन तेल भी छीन लिया था। हम इससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाए, मेरे पास जो गलाम पैसा था हम इसको दे दिए। हम बोले ठीक है, शाम में आना, जो होगा हम दे देंगे तुमको। पहले डिमांड भी किया था ये? पहले नहीं किया था। डिमांड वांड किसी नहीं, था नहीं, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 47वां दीक्षांत समारोह बुधवार को टीएनबी कॉलेज के स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता बिहार राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर ने किया। कुलाधिपति के टीएमबीयू आगमन के दौरान कॉलेज परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि कार्यक्रम स्थल टीएनबी कॉलेज स्टेडियम पहुंचने पर एनसीसी कैंडिडेटों की ओर से महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महामहिम के मंच पर आते ही राष्ट्रगान गाया गया। मंच पर एकेडमिक शोभा यात्रा प्रवाहन 11:35 पर पहुंचा। एकेडमिक प्रोसेशन टीएनबी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग से निकलकर मंच तक गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शोभा यात्रा में महामहिम कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर भी जुड़े। शोभा यात्रा में महामहिम की अगुवाई कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार कर रहे थे। शोभा यात्रा में एकेडमिक काउंसलिंग सिंडिकेट के सदस्यों के अलावा महामहिम के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू मुख्य अतिथि, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे, सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजवर्धन आजाद, पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर के सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, कुलपति डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा भी शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम सहित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। बता दें कि 11:45 पर महामहिम कुलाधिपति ने कुल सचिव के निवेदन पर दीक्षांत समारोह का विधिवत शुरू करने की घोषणा की। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के कुल गीत की प्रस्तुति की गई। कुल गीत पीजी म्यूजिक विभाग के छात्राओं ने प्रस्तुत किया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति सहित सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र मोमेंटो और औषधीय पौधों से किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर ने अपने करीब 23 मिनट के संबोधन में कहा कि आज नौजवान छात्रों के बीच आकर हमें सुखद अनुभूति हो रही है। दीक्षांत का अपना एक अलग ही महत्व है, इसे बरकरार रखने की जरूरत है। विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए आज एक विशेष दिवस है। हर छात्र अपने जीवन में इस पल के इंतजार में रहता है। मेरे लिए भी खास दिन इसलिए है कि मुझे भी आप नौजवानों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। नई उमंग और ऊर्जावान छात्र विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्तंभ है। समाज को सार्थक दिशा प्रदान करने वाले लोग यहीं पर होते हैं। छात्रों से मिलकर उत्साह बढ़ता है। आपके मेहनत और उत्साह का फल आपको डिग्री के रूप में जो आज आपके हाथों में है। छात्र यहां से पास आउट होने के बाद नई दुनिया में अपना कदम रखेंगे। कुलाधिपति ने कहा कि यह दीक्षांत कार्यक्रम है, दीक्षांत नहीं। शिक्षा का कभी अंत नहीं होता, यह अनवरत चलता रहता है। शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती, शिक्षा अनंत है। आपको मिल रही डिग्री पर हमें काफी
गर्व हो रहा है। एक 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 ऑल ओवर जितना भी सब्जेक्ट है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान आने पर संस्कृत विषय से मैं हूं मुकुंद कुमार, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी टॉपर करने पर एक गोल्ड मेडल मिला है, एक ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट में पहला स्थान करने पर मिला है और एक डिपार्टमेंट टॉपर होने पर मिला है। इंतजार बहुत दिनों से था क्योंकि हम लोग को तो आशा भी नहीं था क्योंकि कोरोना कालीन था, लेकिन इस आशा में जो राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार का काम किया है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गोल्ड मेडल मेरे मेहनत से तो हुआ ही है, साथ ही साथ हमारे गुरुदेव का, सभी गुरुजनों का बहुत ही आशीर्वाद है, उनका ही आगे भी मेहनत जारी। रेगुलर करना पड़ता है, कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू मेहनत करने के बाद ही ये रिजल्ट मिलता है। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे युवाओं को इसी तरह कंटिन्यू मेहनत करने के लिए, मेहनत करने से कुछ भी हासिल हो जाता है।